हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज सुबह सुबह हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे रोहित? फ्राइड राइस बना रहे हैं बचे हुए चावल से, जो कि रात को मैंने खाया नहीं था उसके चावल से। इसके लिए मम्मी ने खाना बना के रखा था लेकिन इसने खाया ही नहीं। रात को तो पता ही है, आपने देखा रहेगा, आप लोग ने KFC से मंगा के बर्गर और पॉपकॉर्न खाया था तो पेट भर गया था रात को। ये देखो ये सब सब एक्सपायर्ड हो गया। आप लोग ने अभी देखा फ्रिज में सब कुछ एक्सपायर्ड हो गया है, तो वही हम लोग लिस्ट बना रहे हैं क्या क्या मंगाना है हम लोग को। नीचे जाके हम लोग लेके आएंगे पहले, फिर बनाएंगे। ये कैसा फ्राइड राइस बना रहे जो तुझे इतना सारा सामान चाहिए? ये इंडियन स्टाइल, चाइनीज स्टाइल में तो कुछ चाहिए नहीं रहता, इंडियन स्टाइल में स्पाइसी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए इंडियन स्टाइल में बना रहे तो बहुत सामान लगेगा। तो ये शेफ पता नहीं कौन से स्टाइल से बना रहे, बट देखते हैं कैसा बनाता है। देख ले भाई क्या क्या मसाला है, उसके बाद ही बनेगा। ये सब सब मसाला एक्सपायर हो गया ना? सब एक्सपायर है। मुझे ये कांदा काटना है, कांदा काटना है और टमाटर ना, एक एक काटूंगा चलेगा ना? बस चलो काटते हैं, उसके बाद बनाते हैं, खाते हैं, और उसके बाद क्या करने गए? और कुछ भी करने गए क्या? देखते हैं फिर क्या, चले जाएंगे या फिर नेटफ्लिक्स पे मूवीज दे तो सीरीज देखेंगे, और ही और कुछ करने के लिए भी नहीं है। भाई ये बन के रेडी हो गया है, जो बनाया है रोहित शेफ ने, बहुत तीखा स्पाइसी बना, मजा आ जाएगा खाने में। खाने में मजा आएगा, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही बनाया इसने। आप देख सकते हैं सिंपल इंडियन फ्राइड राइस कितना अच्छा है, कुछ डाला नहीं है, मसाला वसाला ज्यादा डाला नहीं है, लेकिन थोड़ा चिल्ली पाउडर ज्यादा हो गया था, लेकिन वैसा ही चाहिए था हम लोगों को, तो उसके अकॉर्डिंग ही बनाया। खाते है चलो, आज का लंच यही होने वाला। जा रहे फिलहाल साड़ी लेने, उसके बाद डैड को जेरोक्स चाहिए टिकट का, उसके बाद हम लोग जाने वाले फ्रूट्स लेने के लिए। आज का एजेंडा यही है, शाम का एजेंडा बोल सकते हैं। चल रोज जाते फिर, चलो सब कुछ लेके आ गए, साड़ी भी लेके आ गए, उसके बाद फ्रूट्स भी लेके आ गए मम्मी के लिए, प्रिंट आउट भी लेके आ गए, सब कुछ हो गया।